नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं महिलाओं की एक बहुत कॉमन समस्या के बारे में, जिससे कि मेरे हिसाब से लगभग 90% महिलाएँ पीड़ित होती हैं। और ये समस्या होती है दोस्तों ल्यूकोरिया की समस्या, यानी कि सफ़ेद पानी की समस्या, जिसे कि श्वेत प्रदर भी कहा जाता है। तो आज मैं आपसे इसी ल्यूकोरिया के बारे में बात करूंगा कि आखिर ये होता क्या है और इसके क्या क्या कारण होते हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम ल्यूकोरिया को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ल्यूकोरिया क्या होता है। ल्यूकोरिया का मतलब होता है कि महिलाओं की योनि यानी कि वेजाइना से होने वाला एक सफ़ेद चिपचिपा स्राव। चूँकि ज़्यादातर ये सफ़ेद कलर का ही होता है, इसलिए इसे सफ़ेद पानी या श्वेत प्रदर कहते हैं और ल्यूकोरिया सामान्य रूप से इसे सभी लोग कहते हैं। ये जो सफ़ेद पानी आने की समस्या होती है, ये कोई खास रोग नहीं होता है जब तक कि इसके कारण कोई दूसरे सिम्टम्स बॉडी में डेवलप ना हो रहे हों। सामान्यतः महिलाओं की वेजाइना को यानी कि योनि को नम बनाए रखने के लिए, थोड़ा सा गीला बनाए रखने के लिए, अंदर की जो म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, मतलब कि यूट्रस की या सर्विक्स की या वेजाइना की जो म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, इनमें से एक हल्का सफ़ेद कलर का जेली जैसा या पानी जैसा पदार्थ निकलता रहता है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कभी भी कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन जब ये स्राव किसी भी कारण से बढ़ जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा होने लगता है, इसके कारण कोई सिम्टम्स बॉडी में डेवलप होने लगते हैं या ये किसी इन्फेक्शन के कारण होने लगता है, तब इसे बीमारी माना जाता है। अब ये जो स्राव होता है, ये सफ़ेद कलर का हो सकता है, क्रीम कलर का हो सकता है, पीले कलर का हो सकता है, हरे कलर का हो सकता है, हल्का भूरे लाल रंग का हो सकता है। सामान्यतः भारत में 90% महिलाएं इस बीमारी से प्रभावित रहती हैं, लेकिन अपने अंदर की शर्म और झिझक के कारण वो डॉक्टर से इस चीज़ को डिसकंसल्ट नहीं करती हैं और उसके कारण वो लाइफ टाइम इससे पीड़ित रहती हैं, पूरे जीवन भर पीड़ित रहती हैं और धीरे धीरे कमजोर और दुर्बल होती चली जाती हैं। दोस्तों अब यदि हम इसके कारणों की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसमें सबसे पहला कारण होता है बच्चेदानी में होने वाली सूजन या फिर उसमें होने वाली कोई गठान या पोलिप या फाइब्रॉइड, इस तरह की किसी भी समस्या से ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी प्रोलैप्स के कारण भी ऐसा हो सकता है, यानी बच्चेदानी अगर अपने स्थान से हट जाती है तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्साइटेड होने के कारण भी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है। जिन महिलाओं में बार बार एबॉर्शन की हिस्ट्री होती है, उन्हें भी ल्यूकोरिया की शिकायत होती है। इसके अलावा किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे कॉमन जो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है, उसका जो सबसे मेन रीज़न है, वो है बैक्टीरिया, वायरस, यीस्ट या फंगस से होने वाला इन्फेक्शन, जिनमें कि सामान्यतः क्लेमाइडिया या गोनोरिया, इस तरह की बीमारियों की हिस्ट्री होती है, उन महिलाओं में ज़्यादातर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किन होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल ल्यूकोरिया के केसेस में कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है दोस्तों सीपिया ऑफिसिनेलिस। सबसे अच्छी मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी की। मैं कहूँगा कि ल्यूकोरिया के केसेस में ज़्यादातर महिलाओं को ये सूट कर जाती है। और यदि हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उसके सिम्टम की बात करते हैं, तो ये जो महिलाएं होती हैं, इन महिलाओं में सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहती हैं। उनकी हर कोशिश रहती है कि वो अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा कर सकें, अपने बच्चों को देख रेख कर सकें, अपने हस्बैंड को, अपने सास ससुर को, सभी को अच्छे से देख रेख कर सकें। लेकिन जबकि वो कभी बीमार पड़ती हैं या उन्हें कोई हर्ट कर देता है, तो उनके अंदर या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ, जैसे कि मीनोपॉज में होता है, तो फिर उनके अंदर एक इरिटेबिलिटी डेवलप होने लगती है और वो अपने परिवार से थोड़ा कटा कटा सा रहने लगती हैं। यानी कि उनको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगेगा। उनके बच्चों ने कुछ किया तो उन्हें तुरंत गुस्सा आ जाएगा, या उनके हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो वो तुरंत एकदम से उनको हर्ट कर जाता है। बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी के कारण ऐसा होता है। तो फिर उनको पीले या हरे रंग का ल्यूकोरिया होने लगता है, उनमें प्रोलैप्स हो जाता है, यानी बच्चेदानी अपने स्थान से खिसक जाती है। इसके अलावा चेहरे पर क्लोएज्मा भी डेवलप हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स यदि होते हैं, तब उस कंडीशन में हम उन्हें सीपीआर 200 पोटेंसी में देना स्टार्ट कर सकते हैं, 4 बूंद दिन में एक बार। ऐसा हमें कंटिन्यू कुछ दिनों तक करना है और फिर उसके डोज को आधा कर देना है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों बोरेक्स।
बहुत ही अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की, खास तौर से तब जबकि ये पेशेंट के सिम्टम्स से मैच करती है। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं उनमें सबसे प्रमुख सिम्टम होता है पेशेंट को डाउनवर्ड मोशन से होने वाली घबराहट। ये बोरेक्स का सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है, मेजर सिम्टम है। यदि किसी पेशेंट में ऐसा सिम्टम देखा जाता है तो 100% उसको बोरेक्स सूट करती है। तब उस कंडीशन में यदि किसी पेशेंट को ल्यूकोरिया की भी शिकायत है तो उसका जो ल्यूकोरिया होता है तो उसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गर्म ल्यूकोरिया है, बहुत ज्यादा उसको जलन होने लगती है, उसके कारण शरीर की गर्मी भी बढ़ जाती है और उसके मुंह में बार बार छाले होने लगते हैं, तब उस कंडीशन में हम बोरेक्स 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दो दो बूंद दिन में 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद तीसरी मेडिसिन आती है दोस्तों क्रियोजोट। क्रियोजोट भी होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की लगभग लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन है ल्यूकोरिया के केसेस में, यदि पेशेंट के सिम्टम से मैच करती है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, उनमें ल्यूकोरिया के केसेस में बहुत ही ज्यादा इचिंग होती है और सफेद पानी के कारण, यानी कि उनके जो पार्ट्स होते हैं प्राइवेट पार्ट्स वेजाइना वगैरह के आसपास सूजन आ जाती है। मेंसेस आने के लगभग 8 दिन पहले से हल्का पीले कलर का एक स्राव उनको होने लगता है और वो स्राव उनको बहुत ही ज्यादा इरिटेट करता है, तब उस कंडीशन में हम उन्हें क्रियोजोट 200 पोटेंसी में देना स्टार्ट कर सकते हैं। 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को, इस तरह से डिवाइडेड डोजेज में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को कंटिन्यू कुछ दिन तक हम उनको देना स्टार्ट कर सकते हैं यदि उनके सिम्टम से मैच करता है तो। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों एल्यूमिना। बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है ल्यूकोरिया के केसेस में, तब जबकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज्यादा रहता है, यानी कि कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, पेशेंट 2-3 दिन तक फ्रेश होने नहीं जाती है और उसको आलू वगैरह खाने से या इस तरह की बादी वाली चीजें खाने से उसको बड़ी ज्यादा तकलीफ होती है, पेट में एकदम से कब्ज बैठ जाती है, ऐसा ले लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है कि कब्ज बैठ गई है, बिल्कुल उसको फ्रेश होने की इच्छा नहीं होती है और बहुत हार्ड स्टूल होता है। तो उस कंडीशन में यदि पेशेंट को ल्यूकोरिया भी हो रहा है तो वो जो ल्यूकोरिया होता है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि उसको जो सफेद पानी आएगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट सफेद पानी आता है। पेशेंट को चौक या मिट्टी खाने की इच्छा होने लगती है, वो जो सफेद पानी है उसको जलन बहुत करता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा एकदम से एक्रिड ल्यूकोरिया उसको होने लगता है जिसके कारण उसे बहुत ही ज्यादा जलन पड़ने लगती है। इसके साथ साथ पेशेंट को हर समय थकान रहती है और उसकी स्किन एकदम ड्राई पड़ने लगती है और एनीमिया की शिकायत भी उसको होती है, यानी कि खून की कमी भी उसे होती है, तब उस कंडीशन में हम एल्यूमिना 200 पोटेंसी में 4 बूंद पेशेंट को दिन में 1 बार देने से स्टार्ट करते हैं और इसको कंटिन्यू कुछ दिन तक देते हैं यदि पेशेंट के सिम्टम से मैच करती है तो। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों पल्सेटिला। ये होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की महिलाओं में यूज होने वाली सबसे अच्छी मेडिसिन है, खास तौर से प्यूबर्टी के केसेस में, यानी कि जिन लड़कियों को मेंसेस आना स्टार्ट हुए हैं 12-13 साल की उम्र से लेके और टीनेज तक की, जो खास तौर से महिलाएं हैं लड़कियां हैं, यानी कि 18-20 वर्ष की महिलाओं में जितने भी प्रकार की उनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है या उनको किसी प्रकार की हिंदी में जैसे कहते हैं मासिक धर्म में अनियमितता है, उनके पीरियड्स रेगुलर हैं या फिर उनको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है, तब उस कंडीशन में हमें पल्सेटिला का यूज करना चाहिए। इसकी जो पेशेंट होती है इसे बात बात में रोने की आदत होती है, बहुत ही ज्यादा इसकी वीपिंग डिस्पोजिशन इसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा इसको रोना आता है, डॉक्टर के पास भी जाएगी तो ये अपने सिम्टम बताते समय रोने लगती है, थोड़ा सा भी मतलब इसको सिंपैथी गेन करने की आदत होती है, सिंपैथी इसको चाहिए, किसी की भी सिंपैथी मिले वो उसको लेना पसंद करती है। इसके अलावा जिन लड़कियों में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है मेंसेस शुरू होने के पहले ही, यानी कि उनको मेंसेस अभी नहीं आया है लेकिन कुछ दिन पहले से उनको ल्यूकोरिया होने लगा है, या फिर मेंसेस की उम्र अभी नहीं आई है और 8-10 साल की उम्र से ही ल्यूकोरिया उनको होने लगा है और मेंसेस जो है वो 12 साल की उम्र तक आना थे, तो उस कंडीशन में भी पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करती है। और इसके साथ ही पेशेंट के जो पीरियड्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इरेग्युलर होते हैं, तब उस कंडीशन में हमें पल्सेटिला 200 पोटेंसी में 4 बूंद पेशेंट को देना दिन में 1 बार स्टार्ट करना चाहिए और इसको कंटिन्यू कुछ दिन तक हमें देते रहना चाहिए, इससे धीरे धीरे पेशेंट के सिम्टम्स रिलीफ होते रहेंगे। तो दोस्तों ये सारी जो मेडिसिंस हैं ये पेशेंट के सिम्टम से मैच करके हमेशा हमें देनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 2 मेडिसिंस भी यूज करनी पड़ती हैं लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के हमें ये मेडिसिंस यूज नहीं करना चाहिए। और होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की ये खासियत है कि ल्यूकोरिया के केसेस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इन दवाओं को लेना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों
होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट